हाथ फेरे, भर लू बाहू में मेरे, कह दो ना साथी तुम मेरे। सो यू व्हाट्स अप गाइस, एंड स्वागत है आप सभी का आज के इस नए और ताजे व्लॉग में। आज डेट है 25th of November 2024 एंड टाइम हो रहा है लगभग 11:30 और अभी मैं आ रखा हूँ कोर्ट। एंड आज मे बी मोस्ट प्रॉब्ली आज चंडीगढ़ निकलना पड़ सकता है फॉर सम और दी अदर वर्क्स, तो हो सकता है चंडीगढ़ निकलना पड़ सकता है फॉर सम और दी अदर वर्क्स। अगर निकलना पड़ा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। One hour later. So, हेलो, कोर्ट से निकल चुका हूँ और अब जा रहा हूँ मैं अपने गाड़ी पे। गाड़ी से जाऊँगा फिर कहीं और, फिर जाऊँगा घर, फिर घर से सेल्टर से उठा के फिर चलेंगे अपने उधर चंडीगढ़। आज चंडीगढ़ का काम पूरा निपटाना है, सो दैट अंकल फ़ोन छीनने की ताक में है क्या मेरा? मुझे ऐसा लग रहा है कि अंकल फ़ोन छीन जाएंगे मेरा। तो अंकल को एक बार नहीं समझ में आती, बाहर लगाने को बोल रहे हैं गाड़ी, वो अंदर ही घुसाए जा रहे हैं। ऐसे ऐसे तो कलाकार हैं देश में हमारे। अपन लोग चल पड़े हैं अपनी सेल्टो सरानी को उठा करके किधर, चंडीगढ़ के लिए। सो यस, आई एम हेडिंग टूवर्ड्स चंडीगढ़, एंड रोड चंडीगढ़। देख लेगा आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे स्टोरी देख ली होगी जिन्होंने। तो अगर आप लोगों को भी अपडेटेड रहना है मेरी लाइफ के साथ में, तो रियल टाइम वो चाहिए आपको इन्फॉर्मेशन, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें मानवीस्ट फिल्म्स पे। ओके गाइस, ओके ओके मानव भाई। तो अभी की बात करें तो अभी किधर हूँ, अभी हूँ मैं राजपुर रोड पर। राजपुर रोड से अभी जा रहा हूँ, पहले एक फाइल उठानी है, फाइल उठाते हैं पैसिफिक हिल से, फिर पैसिफिक हिल से बाद फिर निकल पड़ते हैं यहाँ से चंडीगढ़ के लिए। तो माना भाई क्या सोलो जा रहे हो? तो मे बी आई एम गोइंग सोलो, मे बी आई एम नॉट गोइंग सोलो। तो अभी देखते हैं सोलो जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ, वो आप लोगों को पता लग जाएगा वक्त के साथ में। ओके गाइस, ओके माना भाई, यार ये वाला एंगल बढ़िया है ब्लॉग शूट करने के लिए, है ना भाई लोग? हाँ माना भाई, सारे एंगल ही बढ़िया हैं, आप तो जिस एंगल से शूट कर दो वही एंगल अच्छा निकल जाता है। बातचीत से मेरी वर्ल्ड वाइड में, चल बेटे हो जा साइड में, छोरा हूँ मैं सीधा साधा, मजराटी में करूँ राइड में, अरे यारी खतर मरता बाजी ला दू जान की, गाड़ी मेरी गाड़ी गाड़ी में बंदे चार, गुड़गांव उत्तर दिल्ली पूरा फेमस तेरा यार, जन्नत सजाई मैंने तेरे लिए छोड़ दी तू जाई। सो भाई लोग, अपन लोग पहुंच गए मोबे वाला, एंड अब क्योंकि देहरादून में एक्सप्रेस वे यहाँ डाटकाली मंदिर के पास से और गणेशपुर तक खुल चुका है, तो आज हमारा पहला स्टॉप या फिर पहली ड्राइव होगी ऑन दैट एलिवेटेड एक्सप्रेस वे। एनिमल कॉरिडोर है इसका नाम, एंड एशिया का सबसे बड़ा एनिमल कॉरिडोर है बना हुआ। चलो, तुम्हारे मानव भाई में कितनी वो है भाई, पट्टा मैंने उतार दिया अपना, पट्टा मैंने अपना उतार दिया, ये रहा पट्टा पड़ा हुआ, इसके पैर भी दिख गए, पट्टा मैंने अपना उतार दिया बिकॉज मेरे को ड्राइविंग में दिक्कत हो रही है, उसमें थोड़ा सा अंदर हार्ड मटेरियल है ना, वो तो वो अंगूठे को हिलने नहीं देता इसलिए है वो, तो मैंने अब वो पट्टा हटा दिया, अब थोड़ा बहुत पेन हो रहा है हिलाते डुलाते, बट कर लेंगे मैनेजेबल है। एंड अच्छा अच्छा व्लॉग बना रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए और बस यही कुछ है। रात को ही वापसी आज ही, सेम डे रिटर्न है अपना, कौन है कू। और यहाँ कहीं टोल बनेगा इसका, कहाँ बनेगा बताया तो था मुझे किसी ने। गाड़ी में ना ये दिक्कत है गाइस कि ये 2000 RPM के एकदम बाद गियर नहीं चेंज करती, अगर पंजा टाइट दबा दिया, और कहाँ आ रहा ये यहाँ बनना है भाई, कहीं टोल टोल कहीं यहाँ बनना है,
क्या करना मानव भाई को? अरे बना दो, अरे मेरे लिए खोल रही है कि रात को मानव भाई आएगा आराम से, दिक्कत ना हो। देख रहे तुम आगे तुम्हारा प्यार जा रहा, देखो गाइस। यार दिक्कत क्यों हो रही इतनी? ये तो स्टीयरिंग भी खुद ही संभालने लग जाती है एक तो। तो गाइस ये रहा अपना 6 लेन है ये टोटल, 3 लेन एक तरफ और 3 लेन उधर वाली साइड पे, और अपना बस यही है आगे तुम्हारे प्यार जा रहा, मेरा सेकंड प्यार जा रहा। पहला प्यार तो जगवारी रहेगी ना हमेशा, और ये भी चंडीगढ़ ही जा रही। वैसे तो CG है बट मैं उसे CH समझ रहा हूँ। अब कहाँ क्या कट मार रहा है ये क्रेटा वाला, देखा गाइस तुमने? तो यही कुछ है बाकी, मस्त भाई मजा आ गया। प्यार तो यही है भाई, इसे जो इसकी प्रेजेंस है रोड प्रेजेंस वो किसी गाड़ी की नहीं हो सकती। क्यों गाइस, गलत तो नहीं कह रहा मैं? CD भी लगाई देते हैं। ये वाला स्पॉइलर मुझे बहुत पसंद है डिफेंडर के लिए। ओ भाई साहब, भाई गाइस नहीं खुला हुआ, सारे यूट्यूबर्स मिलके हमारा बेवकूफ़ बना रहे और सारे इंस्टाग्राम वाले ना बेवकूफ़ बना रहे, खुलिया 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 कर रहे, कद्दू नहीं खुला, झूठ बोल रहे सारे। मैं तो भैया पुराने वाले मोहंड के रास्ते से ही आया, मोहंड वाला पास तो नहीं खुला गणेशपुर तक, जो मुझे एक बताया गया था कि मोहंड से लेके गणेशपुर तक खुला हुआ है, तो नहीं खुला हुआ गाइस। ये आपको मैंने अपडेट दे दिया, झूठ झूठ बोल के ना मैं बेवकूफ़ बनाया गया। ओमके गाइस, ओमके ही माना भाई, ये तो अंगूठा ऐसा हो गया कि मेरा अंगूठा भी ओम के नहीं कर पा रहा है। देखो गाइस ओम के गाइस हिलता नहीं ना, जब तक ऐसा वाला नहीं हो जाता, ऐसा वाला मजा आता तो ऐसे वाले में, ऐसा ऐसे वाले में टिड्डे वाले में। सो भाई लोग खुल चुका है, मतलब यहाँ से खुला है आगे तक के लिए, मैं सोच रहा हूँ मोहन के बीच वाला खुला हुआ था तो आई वॉज रॉन्ग। अब मतलब ये सहारनपुर वाला पैस तो रह गया हमारा, ये कहाँ आ रहा रॉन्ग साइड भाई यार, ये रिस्की है। देखो अभी इस समय मैं जैसे 120 पहुंच गया था और ये सामने से आ रहे, देखो अंधों की तरह। उधर वाले में क्यों नहीं चल रहे होंगे, उधर वाले में चले यार, देखिए इधर से भाई। नहीं भैया ये रिस्की है, ये एक्सप्रेसवे में जब तक टू व्हीलर चलेंगे तब तक रिस्की है मामला। हालांकि हम ना एक्सप्रेसवे में भी चलते हैं टू व्हीलर, पहला टोल भी आ गया लो गाइस, टोल भी बन चुका है यहाँ तो गाइस, पर अभी शुरू नहीं हुआ जहाँ तक मेरी दिमाग चल रहा। इस गाड़ी में गाइस ये पहली बार हाईवे पे चली मेरे से, और एक चीज मेरे को पता लगी कि डैम्पिंग की सख्त जरूरत है इसमें, बिकॉज मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा कोई शीशा खुला हुआ। 700 meters, keep right. कहीं पे वाइज पूरे पूरे पैचेस बन चुके हैं, कहीं पे लेओवर बन रहा है, कहीं पे कुछ चल रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है इस देश में। कद्दू नहीं बनता भाई दिसंबर तक, ये लोग कह रहे हैं कि दिसंबर तक बन जाएगा बट नहीं बनता मेरे साथ। सो भाई लोग अपन लोग पहुंच, लेटर दैट सेम इवनिंग। सो भाई लोग घर पहुंच चुका हूं, एंड अभी टाइम हो रहा है लगभग 1 बज गया, एंड अब घर पहुंच चुका हूं, एंड अब इस व्लॉग को एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा, व्लॉग अच्छा लगा तो व्लॉग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। मिलता हूं आप सभी से कल शाम 7 बजे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक स्टे सेफ स्टे हेल्दी, बाय 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 गाइस। पहली दफा जब नजरें मिली लगा मन का है मेरे कुछ वहम, दूसरी बार तुमसे मिलते ही लगा खोया दिल मैंने, खोया मेरा चैन, अब मेरी बस तुम ही हो एक ख्वाहिश वीराने।